धन्या पूछ रही है, अपनी बहन मैना से पूछ रही है धन्या। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिवजी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन, धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। आप लोग जितने लोग भी शिवपुराण सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे या इस नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र में श्रवण कर रहे हो, आप कथा खाली नहीं जाएगी। आप आए हो ना कथा सुनने के लिए, आपको 7 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि ये झोली खाली नहीं है, भरी हुई है। और कितनी भरी है ये महादेव ही जान सकता। ये खेतान परिवार कथा करा रहा है, ये महादेव ही जान सकता है कि क्या मिलेगा, क्या देगा वो देवाधिदेव महादेव, ये वही जान सकता। तीन घंटा 2 बजे से 5 बजे तक का समय आपने अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो, तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकाल कर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है। आप करे हो इसलिए वो कर रहा। अब पूछा सुनैना जी, पूछे कि मेरा करा गया तब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी? महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता। जीवन में एक लोटा जल अगर आपने देवदिदे महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है? धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी फेंक देते थे, आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये
नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण अगर चले जाते तो क्या दिया उसने वही जान सकता है, वो क्या देगा। सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा, विचार करा गया बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया, वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी। साधारण कहा,